ये वाला भी 1 किलो का है, ये भी पूरा डल गया। गुलाब जामुन फ्राई नहीं लगी है। तो गाइस गुलाब जामुन बन चुकी है, ये गंजे में अलग निकाल दिए हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी मैं निकल चुका हूँ अपने काम के लिए, देख सकते हो आप, और मैं अभी ग्राउंड में हूँ और रोड पे आ चुका हूँ गाइस, देख सकते हो। और मैं हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ धीरेन शिंडे और आप देख रहे हो धीरेन शिंडे ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं रोड से गाइस, देख सकते हो। और मैं अभी बस स्टैंड नहीं पहुँचा हूँ, पहुँचने वाला हूँ। और आज का वेदर बहुत सुहाना हो रखा है गाइस, हल्का हल्का धुंध छाई हुई है सभी तरफ और ठंड और बारिश का मौसम होने का संभावना है गाइस। और इस प्रकार का है सुबह सुबह का माहौल, रोड पूरी खाली पड़ी है गाइस, देख सकते हो आप, पूरी रोड सूनी पड़ी है क्योंकि ठंडा हो गया है मौसम, इसलिए पब्लिक बाहर नहीं निकली है। और मैं बस स्टैंड पहुंचने वाला हूं गाइस, और ये देखिए अभी ये बैंक के पास से गुजर रहा हूं मैं, ये बैंक का एरिया है। और ये देखिए हमारा बहुत पुराना गेट है गाइस ये वाला। और मैं बस स्टैंड आकर अपने प्राशिये के लिए निकल चुका हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर है साइड में शिव मंदिर, देख सकते हो आप, प्राचीन शिव मंदिर है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है सुबह सुबह का गाइस, बहुत सुंदर नज़ारा है। कोहरा कोहरा, ठंडा ठंडा और क्लाउडी क्लाउडी मौसम है, बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है गाइस, तब प्यारा मौसम है, देखिए। तो सो गाइस एक बच्ची को बैठा लिए हमने क्योंकि ये जा रही थी स्कूल और उसे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसे बैठा लिया हूँ, प्राचीन में पढ़ाई करती है। तो उसकी बस मतलब लेट हो गई थी तो ये समय पे स्कूल पहुँचना चाह रही थी, इसलिए इसको मैंने बैठा लिया गाड़ी में और इसे अभी मैं प्राचीन में छोड़ दूँगा। और बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत हंसमुख स्वभाव की बच्ची है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करती है। एक मित्र थे, उनके बेटी है, वह उनके इस बेटी के फादर एक्सपायर हो गए हैं, पराशिया में रहते थे, अब ये न्यूटन में रहने लगे हमारे ग्राम में, नगर में। तो इसे बैठा लिया हूँ और पराशिया में जाकर छोड़ दूँगा। और अभी मैं भीमसेन पहुँचने ही वाला हूँ, देख सकते हो बेटी को बैठा कर, बहुत ही प्यारी बेटी है और 7th क्लास में पढ़ती है ये बेटी। और इसे अभी देखिए सूर्य भी निकल चुके हैं इधर साइड से, बहुत ही प्यारा मौसम वेदर है। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं भगत सिंह चौक में, ये भगत सिंह चौक बहुत बहुत प्यारा चौक है और इस साइड में लेफ्ट में जाता है बाईपास। और गाइस आज का वीडियो बहुत शानदार आने वाला है, गुलाब जामुन रेसिपी आज बताने वाला हूं क्योंकि मैं जा रहा हूं ऑर्डर में, तो गुलाब जामुन की रेसिपी आपको शेयर करने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। गाइस अभी आ चुके हैं परासिया रेलवे ब्रिज पर। सो गाइस देख सकते हो कि अब पहुंच चुके हैं जगह में और काम भी स्टार्ट हो चुका है और आज बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, तो पूरे वीडियो में कंटिन्यू बने। सो गाइस अभी हमने यहाँ पर आधा किलो मैदा डाल चुके हैं, उसमें से 2 पैकेट और डालो मैदा। हम बना रहे हैं टोटल 2.5 किलो मंथन की गुलाब जामुन। हाँ हम बना रहे हैं 2.5 किलो मंथन पैकेट, मंथन दूध पाउडर, ये देखिए इसके बना रहे हैं हम गुलाब जामुन। और इसमें डालेंगे 1 किलो में 1/2 किलो डलता है, 3 पैकेट हो गए ना, दो एक मैंने पिल गया, सूजी डालो। हाँ इसमें डाल रहे हैं अभी हम 400 ग्राम सूजी, ये वाला, ये 1 किलो का पैकेट है, ये पूरा डलेगा। ये वाला भी 1 किलो का है, ये भी पूरा डल गया। इसमें से हम डालेंगे 1/2 kg, हो गया, इसमें से हमने डाल दिया 1/2 kg। ये है मंथन दूध पाउडर, इस पे डलेगा ये है बेकिंग पाउडर, इस पे डलेगा ये 70 ग्राम
बेकिंग पाउडर डालेगा 70 ग्राम, बता देना बस। और इस पे डालेगा सोडा, सोडा हमें हमारा अंदाज़ चलता है नाप पे, सोडा डाल के इसमें 60 ग्राम। यहाँ पर है गाइस डालडा, जो इसको मोइन के लिए दिया जाता है, ये भी गर्म हो चुका है। ये डाला है पानी, अरे बोलते जा मैं तो सो गए, इसमें डाल रहा हूँ अभी मैं डालडा, ये है 1200 ग्राम, ठंडा पानी डाला था क्योंकि डालते गर्म है, अब इसमें डाल रहा हूँ ये गुनगुना पानी। अब इसको पहले अच्छे तरीके से मिला लेंगे, हल्का पानी छींच छींच कर उसको अच्छे से मिला लेंगे और नीचे साइड में ऐसा पानी ना रहे। और नीचे सूखा भी ना रहे, कढ़ाई से पूरा अच्छे तरीके से मिला लेंगे। गाइस देख सकते हो मल्ली को इस प्रकार से मिलाया जाता है, और गाइस मल्ली को आटे से थोड़ा सा नरम रखा जाता है, और इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट में रखा जाता है। इसको पूरा गाइस देखिएगा अच्छे चिकने करके इसको पूरा दबा दो, और दबाने के बाद इसको इसमें डाल दिया जाएगा पानी। तो गाइस इस प्रकार से पूरी मल्ली को सेट कर दिया जाएगा और आधे घंटे के लिए रेस्ट में रख दिया जाएगा। तो गाइस तो इस प्रकार से इसको मल्ली लगा लेंगे अपन, और ये आटे से थोड़ा सा नरम रहेगा, ज़्यादा लूज भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं। इस प्रकार से अब इसमें पूरा पानी भर देंगे, आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। सो गाइस अभी इसमें कढ़ाई में रख दिया हूँ, कढ़ाई में 20 किलो शक्कर डाल दिया हूँ, 1 किलो में 1 किलो मंथन पाउडर में 6 किलो शक्कर लगती है, हम 5 का एवरेज लेते हैं, और हमारे पास मावा भी है तो मावा के हिसाब से 5 किलो हमने बढ़ाए हैं। ये देखिए ये हमारे पास 2.5 किलो मावा रखा है, और यहाँ शक्कर, तो अब इसकी बनाएंगे चाशनी। और यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी चल रही है, तो ग्रेवी के लिए यहाँ पर चढ़ा दिए हैं पेस्ट का आइटम, तो बने रहिए, पूरा ब्लॉग आने वाला है गाइस, रेसिपी वीडियो आने वाला है गाइस। इधर साइड में चाशनी हो गई कंप्लीट, और यहाँ चल रहा है प्याज फ्राई चल रही है, और यहाँ पर गाइस टमाटर बॉईल हो गए हैं, और यहाँ पर रखी है दाल, और अब मैं इसका हम पानी फेंक देंगे, ये जो दूध मंथन फुलाए थे इसको फेंक देंगे, अब इसमें मिलाएंगे मावा। तो सो गाइस इस प्रकार से मल्ली हमने उसको मिला लिए हैं, इसमें मावा मिला लिए हैं, और लोई भी तोड़ रहे हैं इधर साइड में, और इस प्रकार से गोली बना रहे हैं। और यहाँ पर चाशनी हो चुकी है, कढ़ाई चढ़ा चुके हैं, अब इसके बाद इसको फ्राई करेंगे, तो पूरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। सो गाइस इधर गुलाब जामुन फ्राई हो चुकी है, होने लगी है, देख सकते हो आप। गाइस गुलाब जामुन बन चुकी है, ये गंजे में अलग निकाल दिए हैं, यहाँ पर चाशनी पिला रहे हैं, यहाँ पर तेल चढ़ा हुआ है, और इस प्रकार से गुलाब जामुन कंप्लीट हो जाती है, और बहुत शानदार लगती है गाइस। हमारे स्टाइल से हमारे रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिए। सो गाइस यहाँ पर बना रहा हूँ मैं राइस, देखिए चावल, और यहाँ चल रही है पिसाई, प्रकार से काम चल रहा है गाइस।
तो सो गाइस अभी मैं निकाल रहा हूँ पूरी, ये देखिए। जल्दी काटा हुआ पूरी और खाना स्टार्ट हो गया, खाना चला गया है, बस काम चल रहा है। खाना सब्जी बनाना और ये इधर बतौली कर रही है, बतौली करते हुए दोनों जन पूरी बेल रही। तो सो गाइस इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। और आज की वीडियो कैसा लगा, आज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।